नमस्कार, डीजेएनएल न्यूज के इस खास शो क्रेजी क्रिकेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और फेस्टिवल सीजन में चार चांद लगाने के लिए आ रहे हैं ड्रीम्स इलेवन आईपीएल के पांच मैचेस। जी हां, आज से शुरुआत हो रही है एक शानदार वीकेंड की, और उसके बाद आने वाले दो दिन यानी शनिवार और रविवार को नवमी और दशहरे के साथ हमको दिखाई देंगे शानदार क्रिकेट के रोमांचक मुकाबले। आज जो मुकाबला है वो भी बहुत खास है, क्योंकि आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियन जैसी मजबूत टीम के साथ में है। वैसे चेन्नई का इस सीजन में सफर बहुत ज्यादा बेहतर तो नहीं रहा, लेकिन अभी भी उनके लिए कई रास्ते खुले हैं। हालांकि इन रास्तों में डिपेंडेंसी दूसरी टीमों पर ज्यादा रहेगी, लेकिन फिर भी जो बचे हुए चारों मैच हैं वो चेन्नई को जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम कल के मैचेस की भी बात करेंगे और कल जो मैच हुआ उसकी भी बात करेंगे। और हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ में है, सुखदेव सिंह गुम्मन सर जी हमारे साथ है, पूर्व क्रिकेटर है, जाने माने क्रिकेट समीक्षक भी हैं। और एक नए अतिथि हमारे साथ जुड़े हैं जो कि युवा प्रतिभाशाली क्रिकेटर हैं, राजकुमार अग्निहोत्री हैं। युवा पत्रकार होने के साथ साथ मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से कई मुकाबले खेल चुके हैं, आईडीसीए से जुड़े हुए हैं और कई क्लब में अपनी उपयोगिता साबित कर चुके हैं। राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज पहले तो हमने जो चीज वॉच की है कि आज आप चेन्नई की टी शर्ट में नहीं है, आज आप मुंबई की टी शर्ट में है, ये क्या बता रहा है कि बाहर हो चुकी है ये टीम? नहीं, देखिए मैथमेटिकली अगर हम बात करेंगे तो अभी भी उनके लिए चांस है, बट प्रैक्टिकली बात करें तो लगभग वो स्टोर। पर फैन का दिल अभी भी धड़क रहा है कि कुछ बन जाए। नहीं, बिल्कुल। और बहुत सारे लोगों ने पुराने शो में भी बोल दिए कि ये डोकरों की टीम है, धोनी कोच बन जाएंगे, तो हमने कहा थोड़ा सा उनकी तरफ आ जाए। तो प्रैक्टिकली अगर बात करें, थ्योरेटिकली बात करें तो हाँ, सीएसके के लिए बहुत मुश्किल रास्ता है, पर क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। और अगर हम आज के मैच की बात करें तो मुंबई इंडियंस के लिए दो सेटबैक हैं। संडे के मैच में कप्तान इंजर्ड हैं, रोहित शर्मा और ईशान किशन, ये दोनों इंजर्ड हैं। तो दो इंजर्ड होने से, दो अच्छे बैटिंग टॉप बैट्समैन के बाहर होने से कहीं ना कहीं दिखे रे ऑफ होप कहना चाहिए, भाग्य साथ दे सकता है। नहीं, आप ये भी सोचे कि क्रिकेट में व्हेन योर फेस इज अप अगेंस्ट द वॉल, तो उस समय करो या मरो में आपके पास में कुछ नहीं होता, आपको फेयरलेस क्रिकेट खेलना होता है। और आप फेयरलेस क्रिकेट खेलेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आउट ऑफ द ब्लू करेंगे और अच्छी इनिंग खेल के एक अच्छा कॉम्पिटेटिव मैचेस में दे सकते हैं। राजकुमार जी, कल के मुकाबले की बात करते हैं। कल राजस्थान रॉयल्स को पराजय का सामना करना पड़ा, सनराइजर्स हैदराबाद ने, या मैं कहूं कि मनीष पांडे ने अकेले ही एक तरह से इस मुकाबले को जीत लिया, क्योंकि 8 छक्के मनीष पांडे ने लगाए जबकि पूरी राजस्थान की टीम महज 4 छक्के लगा पाई थी। क्या कहेंगे इस शानदार खिलाड़ी की शानदार बल्लेबाजी पर? मनीष पांडे, एक इनिंग देखी थी मैंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, मैं जितना मानता हूँ उस खिलाड़ी को, उसने अभी तक उसका कुछ भी नहीं किया है। वो खिलाड़ी है ही ऐसा कि वो अकेले किसी भी मैच को खत्म कर सकता है। तो ये कैसे आप मानते कि टेम्परामेंट कितना बेहतर है उनका, क्योंकि T20 में हम एक अलग तस्वीर देखते हैं, वनडे में खिलाड़ी की का टेम्परामेंट बदलता है, टेस्ट क्रिकेट पूरी तरीके से अलग हो जाता है। कहाँ से आपने इतना वॉच किया मनीष पांडे को कि आपको लगता है कि अभी और क्षमता उनके पास में है? देखिए, जो आईपीएल की पहली सेंचुरी है किसी भारतीय ने लगाई, वो मनीष पांडे, तो और विराट कोहली के टाइम से खेलते हुए आ रहे हैं, वो दोनों साथ में खेल रहे हैं, तो क्षमता उन्होंने शुरुआत से दिखाई है। बस ये है कि वो जो एक अच्छा बल्लेबाज रहता है जो लगातार रन बनाना, वो नहीं कर पाए हैं। और जैसा कि मैंने उनका जो पिछला रणजी सीजन और कर्नाटका की कप्तानी की उन्होंने, उसके बाद मुझे उन पर विश्वास बढ़ा है कि हाँ, ये बंदा अब एक जिम्मेदारी के साथ खेल सकता है, जिम्मेदारी उठा सकता है। सर, राजस्थान रॉयल्स एक बार फिर ठीक करते करते पूरी तरीके से बिखरती हुई दिखाई दी। बिल्कुल, कल की उनकी टीम कॉम्पोजिशन देखी जाए तो अच्छी थी, और जिस ब्रांड का क्रिकेट वो खेल रहे थे कि जोस बटलर के आने के बाद में, और जिस तरह की इनिंग, दो इनिंग 70+ रन की जोस बटलर ने खेली थी, राजस्थान रॉयल्स से एक्सपेक्टेशन थी कि वो अच्छा करेंगे, वो अच्छा कर भी रहे थे। और बट अनफॉर्चुनेटली जैसन होल्डर के आने के बाद में, और उन्होंने 3 विकेट जो बाद में लिए, तो एक अच्छा स्कोर और एक एट पार स्कोर, और बिलो पार कहना चाहिए, एट पार भी नहीं, 154 रन कोई बड़ा स्कोर एक बैटिंग विकेट पे बिल्कुल नहीं था। और वो 3 क्रूशियल विकेट जैसन होल्डर का लेना, कहीं ना कहीं 20-25 रन उनको कम बने, और 20-25 रन इन द एंड जोफर आर्चर ने अच्छी बॉलिंग करी, 17 रन पे आपके 2 विकेट गिर जाते हैं, और उसके बाद में
जैसा काउंटर अटैक मनीष पांडे ने किया, राजकुमार ने जैसा कहा कि मैं इनसे सहमत हूं कि वो जैसी बैटिंग इस टूर्नामेंट में अभी तक कर पाए हैं वो उनके पोटेंशियल के हिसाब से बैटिंग नहीं है। वो एक बहुत अच्छा अट्रैक्टिव प्लेयर है, बहुत अपकमिंग यंग प्लेयर है, पिछले आईपीएल में काफ़ी अच्छा किया है उन्होंने और यही कारण है कि सनराइजर हैदराबाद ने भी पिछली बार बैटर किया और हम कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब बिजनेस एंड ऑफ टूर्नामेंट आ चुका है। यहाँ हर टीम के बल्लेबाजों को बहुत समय मिल चुका है कि वो ये परिस्थितियों को समझें, कंडीशंस को देखें, क्या कैसे बैटिंग होनी चाहिए, हम क्या गलती कर रहे हैं, हमें क्या अच्छा करना है और नीड ऑफ द आवर क्या है, हमारी टीम को जिताने के लिए मुझे क्या करना होगा। और कल दो विकेट गिरने के बाद वो भी दोनों टॉप बैट्समैन आपके जॉनी बेस्टो डेविड वार्नर दोनों आउट हो जाते हैं। आर्चर ने अपने पहले ओवर की चौथी बॉल के ऊपर डेविड वार्नर को आउट किया और सेकेंड ओवर की चौथी बॉल के ऊपर उन्होंने जॉनी बेस्टो को आउट किया। उस समय लग रहा था कि राजस्थान रॉयल का पलड़ा बहुत भारी है जिस तरह से जॉनी बेस्टो ने बॉलिंग करी, जिस तरह से जोफर आर्चर ने बॉलिंग करी, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कप्तान स्टीवन स्मिथ से ये चूक हुई कि जब एक बॉलर अपनी लय में है और अच्छी बॉलिंग कर रहा है और विकेट ले रहा है तो क्यों ना उससे तीसरा और चौथा ओवर करवा लिया जाए जबकि आपका स्कोर सिर्फ 154 रन था। कहीं ना कहीं उन्होंने मिस किया और काउंटर अटैक जो मनीष ने किया और विजय शंकर ने किया, विजय शंकर ने भी बता दिया सदी हुई बल्लेबाजी की नहीं, उसने बता दिया कि हाँ वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं, इंडिया की तरफ से कुछ वनडे खेले हैं और कल वाकई में ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एक इंटेंट के साथ आए हो कि हम बार बार बोलते हैं कि मिडिल ऑर्डर अच्छा नहीं है सनराइजर हैदराबाद का, तो जैसे वो प्रूव करने के लिए आए थे नहीं 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 जैसन होल्डर भी मिडिल ऑर्डर में है, मैं भी हूँ, मनीष पांडे भी बैटिंग करेंगे। बॉलिंग में भी उन्होंने एक विकेट लिया, तीन ओवर में 15 रन दिए, बहुत ही किफायती से दुए। एक बैटिंग विकेट के ऊपर आप तीन ओवरों में 15 रन देते हैं और एक विकेट लेते हैं और ऊपर से 52 रन बनाते हैं, एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस उन्होंने करा। और ओवरऑल आई थिंक सनराइजर हैदराबाद ने कल जितने भी कॉल लिए, सबसे पहला सरप्राइजिंग था कि कप्तान ने टॉस जीता और बॉलिंग ली, और जबकि इस टूर्नामेंट में जो भी कप्तान टॉस जीत रहा है वो बल्लेबाजी पहले पसंद करता है, फर्स्ट बैटिंग प्रेफर कर रहा है, तो वो एक था कि अगर मान लीजिए जिस तरह की बैटिंग लाइनअप राजस्थान रॉयल के पास में, अगर वो मान लीजिए 180 रन 180 प्लस बना देते तो डेविड वार्नर की बहुत किरकिरी होती कि आपने अच्छा मौका गवाकर दूसरे को बल्लेबाजी के लिए मंत्रित किया, उन्होंने इतने रन बना दिए, अब आप चेज नहीं कर पाए तो आप कैसी कप्तानी कर रहे हैं। तो देखिए ये कुछ कॉल्स होते हैं जो कप्तान को लेने होते हैं, उसने लिए और लगभग हर एक ब्लेसिंग इन द डिस्गाइज बोलिए कि केन विलियमसन इंजर्ड हुए, उनकी जगह के ऊपर जैसन होल्डर को लेकर आए क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर थे, आप चार इंटरनेशनल प्लेयर टीम में खिला सकते हो, एक इंटरनेशनल प्लेयर आपका बाहर गया तो आपके पास जैसन होल्डर था, ऑलराउंडर है, उसको खिलाया, उसकी हाइट का जो एडवांटेज कल मिला और जो पेस का मिला उस कारण से एक अच्छी बैटिंग, जो बैटिंग पिच थी जिसपे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसे उस समय तीन विकेट के ऊपर राजस्थान रॉयल खेल रही थी, मुझे लग रहा था कहीं पे भी 170 75 80 रन बनने चाहिए जो इन द एंड 154 बने, जो एक बहुत ही ब्लो पार स्कोर था और इजीली सनराइजर हैदराबाद ने मैच जीता। अच्छा रहा सर, हैदराबाद के लिए लुक बदल कर आए विजय शंकर और राजस्थान रॉयल्स को टफ लुक दे दिया और लुक एट द पॉइंट्स टेबल, क्योंकि पॉइंट्स टेबल का गणित जो है वो अभी भी कुछ इस अंदाज में है, यूं कहें कि रोमांचक स्थिति वहां पर भी हमें देखने को मिल रही है, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, लगभग लगभग ये तीन टीमें ऐसी है जिनका तय माना जा रहा है कि ये प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेंगी। लेकिन केकेआर जिस तरीके से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने शर्मनाक पराजय का सामना इस टीम को करना पड़ा, उसके बाद बाकी की भी जो तीन टीमें उनके लिए कहीं ना कहीं रास्ते अभी भी खुले हुए हैं, ये उस मैच के बाद साफ हो गया। तो अब जो बाकी की बची हुई पांच टीमें हैं उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत तो करना पड़ेगी, साथ ही साथ एक दूसरे की टीमों के प्रति निर्भरता भी रखना पड़ेगी। बड़ा ही रोचक हो चुका है चौथी टीम के लिए राजकुमार जी। जी बिल्कुल, ये आईपीएल के लिए बहुत अच्छा है और आज का मैच तो मेरे ख्याल से आगे का रुख तय करेगा, ये वीकेंड ही मेरे ख्याल से सर तय करेगा। हाँ, ये वीकेंड में पता चल जाएगा कौन आगे जाएगा और किसका सफर थम जाएगा, मतलब सर ढाई दिन, और ये ढाई दिन में पता लग जाएगा कि किसकी टीम जो है वो चौथे नंबर पर यहाँ क्वालिफाई कर सकती है। बिल्कुल, देखिए हर टीम को लगभग चार मैच खेलना बाकी बचे हैं और चार मैचेस में से अगर हम ये ढाई दिन की बात करेंगे तो आप चार पांच मैच खेल लेंगे, उसमें सर तो चेन्नई आ गई, 50% मैचेस आपके चेन्नई आ गई, कल कोलकाता नाइट राइडर्स आ गई, उनके साथ वीकेंड पे सारी टीमों को खेलना है, सारी टीमों को चार मैच होते हैं, आठ टीम है तो हर एक टीम को वीकेंड पे सैटरडे संडे को मैच खेलना ही खेलना है। सीएसके आज खेल रही है तो उसके लिए एक जल्दी मैच दूसरा होने वाला है। डेफिनेटली प्लेयरों को ऐसी कंडीशन में सिचुएशन में जहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, स्वेटिंग बहुत होता है, एनर्जी लॉस होता है और फिर इस तरह का इंटेंट
जहां आप अच्छा नहीं कर रहे हो या आप अच्छा भी कर रहे हो तो आपने रन रेट इंप्रूव करना है। कहीं ना कहीं देखिए नेट रन रेट इसमें प्ले करेगा, बहुत ज्यादा रोल प्ले करेगा सर चौथी टीम के लिए। छोड़कर आप सबको देखिए स्ट्रगल कर रहे हैं, नेट रन रेट में माइनस में है और लास्ट में जाकर सिर्फ जो इफेक्ट पड़ेगा वो नेट रन रेट पे ही पड़ेगा। मतलब सर जिस टीम को आप क्वालिफाई करना है उसे दूसरी टीमों का मैच ज्यादा बेहतर देखना पड़ेगा। दोनों चीज चाहिए, देखिए आपको तो क्रिकेट बेहतर खेलना ही है, अच्छा खेलना है ताकि हम जीते, और प्रार्थना भी करना है, दुआ करनी है कि ये सामने वाला हार जाए, ये हार जाए तो मैं अंदर चला जाऊं। और खासतौर पर जो सर राजकुमार जी SRH की बात करें, राजस्थान रॉयल्स की बात करें, ये ऐसी टीम है, KKR की बात करें तो चाहेगी चेन्नई की ये लगातार हारते जाए और उनके बचे हुए मुकाबलों में से एक एक से ज्यादा ये न जीते तो ही इस टीम के लिए बेहतर होगा। बिल्कुल, मैं तो बोलता हूँ जो चेन्नई के फैंस हैं वो अपनी टी शर्ट ना बदले और पूजा पाठ में लग जाए। नौ दुर्ग माता जी का राजकुमार जी भी चल रहा है, क्रिकेट पूजा पे चलती होती फिर तो बांग्लादेश केनिया ये सबके सब वर्ल्ड कप जीत चुके होते। अभी जरूरत उसी चीज की मेरे ख्याल पर चेन्नई के लिए थोड़ी सी परेशानियां यहाँ पर है सर। आज थोड़ा सा यहाँ एक सेटबैक रहेगा कि दो महत्वपूर्ण खिलाड़ी न रहे, अगर ईशान किशन और रोहित शर्मा न रहे। एक और मुझे साथ में लगता है कि मुंबई ने अभी तक सिर्फ 13 प्लेयर ही इसमें यूज किए हैं, पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 13 प्लेयर हैं जिनके पास एक्सपोजर है, तो आपके पास में जो बेंच स्ट्रेंथ है उनको किसी को मैच फैक्टर्स नहीं, तो आपके दो मैच अगर इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रोहित देखिए हो सकता है खेले भी, ईशान को एक हैमस्ट्रिंग इंजरी बहुत सीवियर दिखी थी, अभी पता चलेगा आज वो खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं, पर ये दोनों अगर जाते हैं प्लस ये शारजा का विकेट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, छोटा मैदान है और बहुत अनप्रेडिक्टेबल रहा है। पहले चार मैच देखें आप तो 200-215 लगभग स्कोर बना, उसके बाद में 200-185, आज विकेट कैसा खेलता है प्योरली इस पे डिपेंड करेगा कि आज कौन जीता है। छोटा ग्राउंड होने के कारण से अगर एक या दो प्लेयर भी कोई खेल जाते हैं किसी भी टीम के तो एक बड़ा लंबा स्कोर बनाने में सक्सेसफुल होंगे और फिर उसको चेस करना। तो अगर मैं बॉलिंग लाइनअप की बात करूंगा तो मुंबई की बॉलिंग लाइनअप एज कम्पेयर टू CSK बहुत बेटर है, पर अगर मैं ओपनर्स की बात आज करूंगा देखिए वहाँ क्विंटन डेकॉक हैं, उनकी अगर रोहित नहीं खेलते हैं तो क्रिस लेन आएंगे, वो बहुत डिवास्टेटिंग बहुत खतरनाक मार के खेलने वाला बैट्समैन है और उसके लिए ये ग्राउंड छोटी बाउंड्रीज अच्छा बैटिंग विकेट, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे रन बनना चाहिए और इस पर्टिकुलर डे के ऊपर आज, और मुझे लग रहा है कि चेन्नई इमरान ताहिर को अब खिलाएगी सर। ये बात तो हम लगातार डिस्कशन एक, पर एक, एक ऐसा बॉलर जो पिछले टूर्नामेंट का सुपरस्टार था उसको एक भी मैच अभी तक खेलने को नहीं मिला है, और फिर मैं बोलूंगा कि ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि एक इंटरनेशनल प्लेयर आपका डेविन ब्रावो आउट हुए हैं इंजर्ड है, आपका तो इंटरनेशनल प्लेयर एक और चाहिए और इतना अच्छा ऑप्शन है सबसे बड़ी बात इससे बेहतर विकेट्स पे इन सब विकेट के ऊपर स्पिनर एक क्वालिटी स्पिनर को फायदा मिल रहा है। मतलब सर राशिद खान को देखिए कल के मैच में कितने अच्छे बॉल करी, 20 रन दिए उन्होंने और एक विकेट भी लिया, तो आप और उसी के अगेंस्ट अगर आप राजस्थान रॉयल के स्पिनर्स को देखिए तो सारे के सारे जो है 8 रन 9 रन के दिए, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी स्पिनर जो है वो मैटर करता है और इमरान ताहिर में वो क्वालिटी स्पिनर है जो उनको बूस्ट दे सकता है, रन कंटेन कर सकता है, विकेट ले सकता है, और कहीं ना कहीं कभी ऐसा होता है कि जब एक नया प्लेयर आपकी टीम में आता है तो एक नया जोश लाता है, एक नया माहौल लाता है। हमने सनराइजर्स हैदराबाद को देखा, हमने केन विलियमसन को देखा, केन विलियमसन भाई हर पंजाब देखा सर, क्रिस गेल के आने के बाद हैट्रिक लगी है, जोश बटलर आया राजस्थान रॉयल के लिए, तो कहीं ना कहीं एक प्लेयर आता है और टीम चेंज हो जाती है। कल सनराइजर हैदराबाद में जैसन होल्डर आए राजकुमार जी की विकेट जो है थोड़ा सा नेचर चेंज किया है, भले ही शारजा का मैदान छोटा हो लेकिन पहले की तुलना में अभी नेचर चेंज किया है, क्या नेचर चेंज CSK भी कर पाएगी? बिल्कुल, CSK को करना भी चाहिए सर, बोल रहे इमरान ताहिर में, मुझे भी लगता है कि ये सबसे अच्छा मौका इमरान ताहिर को खिलाने का, क्योंकि शारजाह में जब शुरुआत हुई तो 225 रन बन रहे थे लेकिन अब वो 180 और जिसका मतलब है कि स्पिनर प्ले में आ गए हैं, और अगर आपके पास इमरान ताहिर जैसा स्पिनर है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी टीम T20 फॉर्मेट में इमरान ताहिर को बिठा सकती है, बहुत बड़े गेंदबाज वो T20 क्रिकेट के सर। लेकिन चेन्नई देखें हम तो एक शुरू से एक ऐसी तरीके से खेल रही है, स्लो तरीके से, बहुत धीरे धीरे रन बनाना,
एक अच्छी शुरुआत मिल जाती है तो आगे जाकर टीम बिखर जाती है, मध्यक्रम अच्छा खेलता है तो बाकी टीमें बिखरती हुई दिखाई देती है, और आज मुकाबला ऐसी टीम का है जिसकी गेंदबाजी उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जसप्रीत बुमराह की बात करें, ट्रेंट बोल्ट की हम बात करें, ये ऐसे गेंदबाज हैं, कैसे आखिर सामना कर पाएंगे ये? देखिए, अगर आप सब टीमों का आकलन इस टूर्नामेंट में करेंगे तो कहीं ना कहीं ये विकेट स्लो और स्लगिश हैं। कल हम बात करेंगे तो राजस्थान रॉयल्स चेजिंग में देखिए कितना अच्छा अच्छा खेल के मार के और जीत रही थी, कल उनको जब बैटिंग फर्स्ट करना पड़ा तो 154 नहीं बना पाए। तो कहीं ना कहीं ये विकेट का नेचर जो है, बॉल रुक कर आ रही है, स्लो आ रही है, बल्लेबाज को स्ट्रोक खेलने में प्रॉब्लम आ रही है पहले। उसके बाद में सेकंड टाइम क्या हो रहा है कि कुछ जगह पर ड्यू फैक्टर हो रहा है, ड्यू फैक्टर के साथ में बॉल गीला होता है, भारी होता है, बॉलर को कंट्रोल करने में मुश्किल होती है, बल्लेबाज को स्ट्रोक खेलने में अच्छा लगता है, तो कहीं ना कहीं कंडीशन इम्बैलेंस है। तो जिसके फेवर में टॉस होता है और अगर आपकी टीम मैनेजमेंट ने उन कंडीशन को अच्छे से स्टडी किया है तो आपके फेवर में है, आपको एक अनड्यू एडवांटेज मिलता है जो क्रिकेट में नहीं मिलना चाहिए। एक डे गेम में वो नहीं मिलता है, बट अगर जो डे एंड नाइट गेम हम बोलते हैं, शाम का गेम बोलते हैं, शाम के गेम में अगर ओस पड़ती है तो फील्डिंग मुश्किल होती है कि आप स्केट करते हैं, बॉलिंग मुश्किल होती है कि बॉलर का रनअप है वो उसके ऊपर जहां ड्यू फैक्ट आया हुआ है, बॉल को होल्ड करना मुश्किल होता है कि गिली होती है बॉल, उसको बार बार आपको सुखाना पड़ता है, टॉवल लेके घूमना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक एक्स फैक्टर रहता है कि नहीं यार ये हमारे अगेंस्ट है। जो टीम टॉस जीती है उसको बड़ा एडवांटेज है 2020 में इन पर्टिकुलर सिचुएशन में, और आज भी जो टीम मैच जीतेगी उसके लिए अच्छा रहेगा। स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो चेन्नई 200वां मैच आज आईपीएल का मैच खेलेंगी, ये आपका मुंबई इंडियंस, आरसीबी, कोलकाता नाइट राइडर्स इस क्लब में ज्वाइन करेंगे आकर। और इसके बिना अगर हम कुछ और बात करेंगे तो धोनी को एक छक्का और मारना है एज ए कैप्टन 200 सिक्सेस करने के लिए। हम सोचते कि बहुत सारे लगाए हैं। जी जी, जसप्रीत बुमराह को 3 विकेट चाहिए आईपीएल की 100 विकेट करने और T20 में 200 विकेट करने के लिए क्या। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम लोगों को बोल रही है। कुणाल पंड्या की बात करेंगे मुंबई इंडियंस में तो 27 रन चाहिए 1000 आईपीएल मैचेस करने के लिए। तो बहुत सारे आज रिकॉर्ड जो बनने के लिए टूटने के लिए तैयार है और हमें देखना है कि आज कौन कौन इनको अचीव कर पाता है। रिकॉर्डधारी मुकाबला हो सकता है सर कुल मिलाकर। और अगर मान लीजिए आज की डेट में रोहित शर्मा नहीं खेलते हैं तो करण पॉलार्ड जो है वो लीड करेंगे मुंबई इंडियंस को, और वो वैसे भी अच्छा खेल रहे हैं, तो मुझे लगता है एज फार एज कैप्टनसी गोज कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप टीम की भी बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा भी बैटिंग फॉर्म में नहीं है, उसकी जगह पे क्रिस लिन आकर अगर मारते हैं वो तो बहुत खतरनाक है, वो पहली बॉल से मारने वाला प्लेयर है। हम पृथ्वी शॉ और उनको एक जगह रख सकते हैं जो आते से ही सिर्फ मारना है। अगर आप हार्ड हिटिंग की और अगर उनके आज इंटरनेशनल स्ट्रेचर की बात करेंगे तो क्रिस लिन रिनॉन इसी चीज के लिए कि वो बहुत मारकर खेलता है और अगर थोड़ी देर रुक जाए तो किसी भी टीम की पूरी गणित को गड़बड़ा सकता है। बिग बैश में भी हमने सर देखा कई बार क्रिस लिन एक शानदार बल्लेबाज है और T20 फॉर्मेट के एक स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के तौर पर पहचाने जाते हैं, विस्फोटक बल्लेबाज है राजकुमार जी। लेकिन कहीं ना कहीं रोहित शर्मा और ईशान किशन के बगैर टीम मैदान में उतरेगी तो दूसरे खिलाड़ियों के ऊपर जवाबदारी काफी बढ़ जाएगी। सूर्य कुमार यादव की बात करें, क्विंटन डिकॉक शानदार फॉर्म में चल रहे हैं लेकिन जरूरत है आज जवाबदारी निभाने की क्योंकि आज कप्तान उनके साथ ओपन नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं ओपनिंग में तब्दीली होगी तो और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट खुद को करना पड़ेगा, जवाबदारी उठानी पड़ेगी। उसके अलावा मिडिल ऑर्डर की बात करें तो पोलार्ड को जवाबदारी उठाना पड़ेगी, पंड्या ब्रदर्स को आज बहुत ज्यादा अपनी जवाबदारी के प्रति ध्यान देना होगा क्योंकि रोहित शर्मा एक विनिंग कॉम्बिनेशन का सबसे बड़ा और आम हिस्सा है, उनके बगैर टीम उतरती है और खासतौर पर एक रणनीतिक कार धोनी जैसे कप्तान के सामने तो वहां जवाबदारी इन खिलाड़ियों पर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं पोलार्ड की बात करूं तो पोलार्ड बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, दुनिया भर की लीग खेलते हैं और हाल ही में उन्होंने विंडीज टीम की कप्तानी भी की है, तो एज आ कप्तान में किरण पोलार्ड को रोहित शर्मा से बिल्कुल भी कमतर नहीं आंकता। और जहां तक यह सर ने भी कहा कि रोहित उस फॉर्म में नहीं है, क्रिस लिन तो हम देखते हैं मेलबर्न के जो बड़े बड़े मैदान है 90 मीटर के 100 मीटर छक्के मारते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि शाहजहां के स्टेडियम में गेंद रुकने वाली है, वो तो बाहर ही जाना है। और मिडिल ऑर्डर में भी अगर देखें, अगर ईशान किशन बाहर है तो सौरभ तिवारी अच्छा करके बाहर हुए, सौरभ तिवारी बहुत अच्छा खेल रहे थे, इंजर्ड हुए उनकी जगह ईशान किशन, उन्होंने बहुत अच्छा खेला, तो बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं आएगा लेकिन फिर भी हाँ अंतर तो बिल्कुल आएगा रोहित शर्मा क्योंकि बहुत बड़े बल्लेबाज है।
वो रुकते हैं, मैं राजकुमार के साथ हूँ। अगर रोहित प्ले रोहित का जो इंटरनेशनल कैरियर है, जो एक्सपीरियंस है, वो इतना बड़ा है, और उसके साथ एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी है कि अगर वो फॉर्म में जैसे नहीं है, तो हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उसको देखा कि 2-4-5 इनिंग में वो फेल होते हैं और उसके बाद में आके सीधा ही 150-200 रन बनाते हैं। तो जिस दिन वो इन मैचेस इन विकेट के ऊपर रुकेंगे, शारजा जैसे विकेट के ऊपर, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 150 रन वो अकेला बना दे। बिल्कुल इतना बड़ा उसका वेट है एज ए ओपनिंग बैट्समैन, तो आप कोई भी टीम उनको मिस करेगी। बट जहां तक हम मुंबई की बात करें, तो 8 नंबर तक बल्लेबाज है आपके पास 2020 में। अगर मिडिल ऑर्डर की बात करें, तो हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, पंड्या ब्रदर्स हैं, पॉलर्ड है, नेथन कॉटनाइल है, पिछली बार भी उसने बताया जब टीम को जरूरत थी तो पॉलर्ड और उन दोनों ने मिलकर रन बनाए और मैच को उस पोजिशन में लेके जहां टाई हो गया। तो मुझे लगता है कि बैटिंग इतना मैटर नहीं करेगी कि कितनी है, बट डेफिनेटली टॉस मैटर करेगी कि सिचुएशन कैसी है, विकेट कैसा है आज की डेट में। एक जो अपोजिशन है, जो विनर है टॉस, जो कप्तान जीतता है, उसको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है कि वो डिसाइड करे कि उसको पहले बैटिंग करनी है या उसको पहले बॉलिंग करनी है। तो आज का मैच में भी ये इंपॉर्टेंट होगा कि कौन टॉस जीतता है और क्या कॉल लेता है। वैसे आज अगर इमरान ताहिर खेलते तो एक अच्छा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा दो स्पिनर्स के बीच, राहुल चहर और इमरान ताहिर। बिल्कुल, राहुल चहर भी लगातार खेल रहे हैं। राहुल चहर के साथ ये चीज़ अच्छी कि वो लगातार खेल रहे हैं, उनके हाथ से बॉल भी बहुत अच्छा छूट रहा है। और इमरान ताहिर की बात करें तो उन्हें इंटरनेशनल लेवल का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तमाम लीग खेल रखी है और पिछले IPL में वो 26 विकेट ले चुके हैं। तो विकेट लेने की कला उनमें है और बैट्समैन को कैसा छकाना है। जैसे क्रिस लिन है, अगर क्रिस लिन की बात करें तो स्पिनर पे बहुत ही वीक बल्लेबाज माने जाते हैं। बिल्कुल, तेज गेंदबाज हो आप, दुनिया का कोई सा भी तेज गेंदबाज लेकर आ रहे, उनके सामने शॉन टेट को भी उन्होंने लंबे लंबे छक्के दिए, लेकिन अगर आप स्पिनर लेकर आ गए उनके सामने शारजा जैसी पिच पर, तो मुझे लगता है कि इमरान ताहिर तुरुप किक्का साबित हो सकते हैं। तो सर शुरुआत में अगर ऐसा मौका मिला तो धोनी इमरान ताहिर को अगर टीम में रखते हैं तो मुझे लगता है सर कि पावर प्ले में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, पर ये बहुत बड़ा कॉल है। जैसे अगर आप स्टैटिस्टिक्स पे जाएंगे तो राजकुमार जैसे बताया, ये बिल्कुल नोन फैक्ट है क्रिकेटिंग वर्ल्ड में कि क्रिस लिन स्पिनर को अच्छा नहीं खेल पाता है। और इमरान ताहिर की बात करें तो मास्टर है वो कि विकेट कैसे खरीदना है। वो इतनी फ्लाइट करते हैं कि बैट्समैन को लालच आता है, लात टपकती है कि इसको मैं छक्का मार दूं और पता चलता है कि वो या तो स्टंप आउट हो गया या क्लीन बोल्ड हो गया। लालच बुरी बला है। हाँ ऑब्वियसली, नहीं देखिए वहां पर उन कंडीशंस में, वहां जो एज ए बैट्समैन आपकी जो स्ट्रेंथ है आपको उस पर खेलना पड़ता है, आपको कॉन्फिडेंस होता है। जैसे बोले शॉन टेट सबसे फास्ट बॉलर ऑस्ट्रेलियन था क्या, उसको भी उठा उठा के उसने इतना लंबा लंबा मारा है, 100 मीटर 110 मीटर के छक्के मारे हुए हैं। बट जहां स्पिनर आता है वहां आप शेकी हो जाते हैं, क्योंकि बॉल्स पढ़कर स्पिन होती है, आपको उसके हिसाब से खेलना है, आपका फुटवर्क होना चाहिए। स्पिनर को खेलने के लिए आपका फुटवर्क अच्छा नहीं है आप किसी हालत में नहीं खेल सकते। मिडिल पेसर को खेलने के लिए आपका हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, आपको अच्छा दिखना चाहिए और बल्ला आपका मारना आना चाहिए कि मुझे मारना कैसे, काम हो जाता है उसमें। T20 में ही एनफ है। तो सर फेवरेट टीम आज ये सवाल मैं सर कब से सोच रहा था शो शुरू होने से कि मैं पूछूंगा और फिर उसके बाद देखूंगा ये क्या रिएक्शन आते हैं। सर फेवरेट टीम देखिए, मैंने तो जैसे बोला कि बहुत सोच के समझ के मैं आज फिर बोलूंगा CSK, तो कुछ लोगों की ऑब्जेक्शन CSK को लेकर रहते हैं कि ये डोकरों की टीम है, जीत नहीं सकते। मतलब चलो आज हम पाला पलट के देखते हैं, शायद आपको हम उन लोगों को एक जवाब मिल जाएगा कि नहीं देखिए CSK अभी भी जीत सकते, CSK जीत सकते। टीम के हिसाब से अगर मैं देख के चलूंगा, मुंबई इंडियंस बेटर है। ऑल्दो जैसे मैंने कहा कि रोहित नहीं खेलेंगे, रोहित आज नहीं खेल रहे हैं और उनकी टीम कॉम्पोजिशन और पिछला मैच हारने के बाद में वो इंटेंट उनका बेटर होना चाहिए कि भाई हम कहीं ऐसे स्ट्रगल नहीं कर जाएं। तो मुझे लगता है कि छोटे मैदान, हार्ड हिटिंग मिडिल ऑर्डर और फॉर्म में चल रहे हैं, गेंदबाजी भी जो है, आप डेथ ओवर की बॉलिंग की बात करें तो बहुत अच्छी है। मुंबई इंडियंस को आज के मैच में एडवांटेज है CSK को। अगर मैं दिल की बात करूँ तो मेरा दिल CSK के साथ है और ये टूर्नामेंट के लिए बेटर है कि वो मुंबई को बीट करें, लेकिन अगर दिमाग की बात करें तो दिमाग मुंबई इंडियंस के साथ है कि हाँ एक बेटर टीम है, अच्छा खेल रही है, खिलाड़ी फॉर्म में है, बॉलर्स फॉर्म में है, और लेकिन दिल कह रहा है कि CSK
अच्छा लेकिन सीएसके अगर ऐसी कंडीशंस में ऊपर आती भी है सर तो हम ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि जिस तरीके से देखिए मैंने क्या बोला कि आप जो क्रिकेट है वो मोमेंटम पे चलता है माइंडसेट पे चलता है कि अगर आप बुरा कर रहे हैं तो आपके साथ बुरा होता रहेगा क्योंकि आप माइंड से क्लियर ही नहीं कि आपको करना क्या है। आप एक अच्छे बैट्समैन होते समय भी आप तीन बार अगर रन नहीं तीन चार इनिंग में नहीं बनाते तो चौथे इनिंग में आप पे इतना प्रेशर होता है कि एक तो आपका नाम होता है कि मुझे तो अच्छे रन बनाने बनाने मेरा नाम इतना बड़ा है और दूसरा ये होता है कि आप रन बना ही नहीं पा रहे हैं तो आप डिलेमे में रहते हैं कि मेरे को क्या मार के खेलना है मुझे रुक के खेलना है और इतनी देर में तो गेम हो जाता है। 2020 में बहुत ज्यादा दिमाग आप लगा नहीं सकते क्योंकि 120 बॉल खेलनी 10 विकेट आपके पास है तो आठ अगर बॉल आपके पास में बैट्समैन है तो 12 बॉल इससे ऊपर आपके पास कुछ है नहीं और उसमें आपको चौके छक्के ही मारना है। और देखिए एक मैच अगर आप जीत जाते हैं तो आप में वो कॉन्फिडेंस वापस आता है कि ऐसा नहीं कि ये प्लेयर क्रिकेट नहीं खेले हुए हैं ये अपने समय में बहुत अच्छा क्रिकेट खेले हुए हैं। अपना समय छोड़ दीजिए अभी धोनी अभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हुए हैं और बाकी टीम में भी जो अगर हम देखेंगे तो हमने आईपीएल में इन सबको परफॉर्म करते देखा है और आज तक वो हर संस्करण के प्ले ऑफ में क्वालिफाई किए हैं हमेशा और यही एक बचा है और जो उन लोगों ने सोचा भी होगा कि एक रिकॉर्ड टूट जाएगा कि 13वें संस्करण में जाकर हम प्ले ऑफ में क्वालिफाई नहीं कर पाए तो ये बहुत बड़ी बात है किसी भी प्लेयर के लिए। नहीं 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 एक रिकॉर्ड है जो टूट रहा है और क्रिकेट तो देखिए गिवन डे के ऊपर है एक या दो लोग चाहिए जो परफॉर्म कर सकें और आप जब ऐसी सिचुएशन में करंट सिचुएशन में फंसे होते हैं तो सिर्फ आपका बेस्ट टीम काम करता है और मुझे लगता है कि वो बेस्ट है। COVID-19 ने काफी चीजें बदली लेकिन इस सीजन में सीएसके को इतना बदल देगी ये शायद हमने नहीं सोचा था। आप कुछ बोलना चाह रहे थे राजकुमार जी? मैं ये कहना चाहता कि सीएसके मुंबई को उसी कंडीशन में बीट कर सकती है जब उसका चेपॉक जैसा विकेट मिले उसे। अगर आज का पिच घूमता है तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि सीएसके मुंबई को बीट कर सकती है क्योंकि क्वालिटिक्स स्पिनर है और दीपक चहर स्विंग करना जानते हैं और धोनी भी ऐसी कंडीशन में यूज बॉलरों को अच्छा यूज़ करना जानते हैं और साथ ही जो उनकी बल्लेबाजी है अगर विकेट फ्लैट है तो मुंबई के पास इतने अच्छे हिटर है 8 नंबर तक बाहर कर देंगे। अगर विकेट स्लो है जहाँ कम स्कोर बनेगा वहाँ सीएसके फाइट कर सकती है। जाते जाते कल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं सर। कल दो मुकाबले खेले जाने वाले हैं। सुपर सैटरडे है, पहला मुकाबला है कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल। मतलब आज अगर चेन्नई को धनाधन करना है तो कल दुआएं भी करना है कि दिल्ली जीत जाए चलेगा, दिक्कत नहीं है क्योंकि ये तो टॉप थ्री में है लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स नहीं जीतना चाहिए। क्या कहेंगे सर? मैं आपसे सहमत हूं और पिछले मैच में जैसे केकेआर खेला और 84 रन के ऊपर 8 विकेट हो गए पर सर दूसरों के रास्ते खुले उनने नहीं बिल्कुल खुले और कहीं ना कहीं देखिए मैंने आपसे मैं हमेशा कहता हूं क्रिकेट मोमेंटम का गेम है। आप अगर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में तो अच्छा खेलेंगे। आप हार कर आते हो इतनी बुरी हार करके आते हैं कि आप पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे चले जाते हैं। आपके नॉट ऑन पॉइंट्स टेबल और नेट रन रेट की बात करेंगे तो सबसे जबकि पॉइंट्स टेबल में 4th नंबर पे हैं नेट रन रेट पे अगर बात आएगी तो ये हम सब टीमों से बाहर हो जाएंगे। तो एक टीम जो स्ट्रगल कर रही है टूर्नामेंट के बीच में उन्होंने अपना कैप्टन बदला है तो मुझे और सेकेंडली डीसी जैसी टीम के अगेंस्ट जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और पिछला मैच हारे हैं तो वो एक घायल शेर की तरह इस मैच में आएंगे पलटवार करने के लिए। टीम भी यही चाहेगी कि केकेआर के लिए मुश्किल समय होने वाला है मेरे ख्याल से। एक जनरल किसी बंदे से भी बात करेंगे आज गिवन जो प्लेयर्स की फॉर्म है उसके ऊपर डीसी बहुत भारी है केकेआर के ऊपर। सहमत है राजकुमार जी? बिल्कुल मैं सहमत हूँ लेकिन केकेआर की एक बात मैं कहना चाहूंगा केकेआर के बारे में कि बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल टीम है ये छुपी रुस्तम। हाँ मतलब इस आईपीएल में क्योंकि भले उनके खिलाड़ी चल नहीं रहे हो किसी का फॉर्म ऐसा नहीं है कि टॉप रन गेटर में हो टॉप विकेट टेकर में हो लेकिन एक खिलाड़ी उनका ऐसा आता है कि वो मैच जिता देता है और इसीलिए अभी वो रेस में बने हुए हैं। तो मैं भी जो अपना अगला मैच डीसी के खिलाफ उम्मीद करूंगा कि ऐसा ही कुछ हो और वो डीसी पलटवार करें। दूसरा मुकाबला सर सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस किंग्स 11 पंजाब का कल मैच है। पंजाब लगातार जीत की हैट्रिक लगा चुकी है और दूसरी तरफ कल के मैच में हैदराबाद ने भी राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जीत कर अपने आत्मविश्वास में बढ़ोतरी की है। तो दो बुलंद हौसले वाली टीमों के बीच सर संघर्ष होना है, जाहिर सी बात है कि बढ़िया रोमांचक मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल देखिए कल तक हम कह रहे थे कि सनराइजर हैदराबाद का मिडिल ऑर्डर वीक है, कल वो काम कर गया। मनीष पांडे और विजय शंकर ने आकर बता दिया और जेसन होल्डर को पीछे वापस लाए हैं। केन विलियमसन की क्या अभी फिटनेस लेवल है वो अभी पता नहीं है, वो कल खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं। तो कहीं ना कहीं सनराइजर हैदराबाद भी अब फॉर्म में है
बट अगर हम इन विकेट के ऊपर जैसा बैटिंग सब लोग कर रहे हैं, अगर मैं उसके हिसाब से देखूं तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पंजाब कल फेवरेट है, क्योंकि उनके जो पहले 5-6 बल्लेबाज हैं इतने सुपर हैवीवेट बैट्समैन हैं, उनमें से एक भी अगर विकेट के ऊपर रुकता है तो किसी टीम को भी वो इस टूर्नामेंट से बाहर कर सकते। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही एक्सपर्ट का, क्योंकि अब मैच शुरू होने वाला है, बहुत कम समय बचा है और धोनी के धुरंधर मुंबई के भाइयों की टीम के साथ मुकाबले के लिए तैयार हैं, और खास मुकाबला रहेगा चेन्नई के लिए, क्योंकि मैच जीतना है, न सिर्फ वाला मुकाबला जीतना है बल्कि बचे हुए जो मुकाबले हैं वो भी सभी जीतना, और साथ ही साथ अब यहाँ से जो पूरा चौथे नंबर पर प्लेऑफ में दावेदारी के लिए जो गणित हमारे सामने, उसको तो सिर्फ एक लाइन में हम समझ सकते हैं कि खेलना भी है और खेल बिगाड़ना भी है। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, कल फिर मुलाकात होती है, चूंकि कल शनिवार है तो दोपहर 2:30 बजे हम इस खास शो के माध्यम से आपसे रूबरू होंगे, तो कल तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, और फिर से दोहराऊंगा कि कल दोपहर 2:30 बजे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।